दिल्ली में कई दिनों से जारी पानी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पानी न मिलने से परेशान ईस्ट ऑफ कैलाश के लोग सड़कों पर उतर आए। हमारे 6-7 महीने से पानी की प्रॉब्लम है, पानी आता नहीं है। इधर टंकी में तो कभी चढ़ता ही नहीं है, बाल्टियों में हम भर नहीं सकते, गिर के हमारा हाथ भी टूट गया। और क्या करें, हम इतने परेशान हैं, सीवर पानी और ये सब के टूट गई। कई शिकायतों के बावजूद लोगों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 6-7 महीने हो गए पानी के लिए हम इतना परेशान हो गए, कोई नहीं आता है, कोई उपाय नहीं। थोड़े दिन के लिए आते हैं, गड्ढे वड्ढे खोदते हैं और चले जाते हैं, अपना नंबर है। हाँ करी हमने, जल बोर्ड में भी करके आए हैं, हम सब जगह करी है। वो भेजते हैं बंदे, कहते हैं हम कर रहे हैं, बस थोड़े दिन के लिए एक दिन पानी आता है, फिर 3 दिन के लिए पानी गायब। पानी हमें मिलता ही नहीं है और बीमार बंदे हैं सारे, फिर भी उठना पड़ता है रात को, बच्चों को भी देखना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। पानी की बहुत मुश्किल है यहाँ तो, उतने गटर भरे हुए हैं, उतनी नालियाँ गंदी हैं, लोगों के घरों में पानी बारिश आ रहा है, इनके घर में इतना पानी भरा हो जा रहा है। एक महीने से लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के पास नहीं है। रोज मैं कोई ना कोई एक्शन लेती हूँ, जल बोर्ड में शिकायतें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता। आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ जी करेंगे। तो जो सरकार हमारी बैठी हुई है, आम आदमी सरकार, वो कर क्या रही है? दिल्ली जल बोर्ड कर क्या रहा है? लोगों का कहना है कि वे पानी की कमी से तकरीबन 7 महीनों से परेशान हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पानी की परेशानी से निजात नहीं दिला रहा।